हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन जो जेई 2020 में भी आया था और जेई 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और जेई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के जेई बोर्ड में भी 2020 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है अभी तक सीबीएसई वालों का और अच्छा क्वेश्चन है और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन 100% आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू साइन पी प्लस वन एक्स अपॉन प्लस का साइन एस अपॉन में x, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो है और x इज इक्वल टू जीरो है तो क्यों है, x ग्रेटर देन जीरो तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x अपॉन x के पावर में 3/2 है। करेक्ट है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेस देन जीरो का मीनिंग क्या होता है सर, लिमिट x tending to 0 minus fx, क्या बोला, लिमिट x tending to 0 minus fx। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, एट x is equal to 0 for function क्या है, कंटिन्यूअस है तो मैं लिखूंगा लिमिट x tending to 0। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, साइन थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कैलकुलेशन पे, साइन का p प्लस वन एक्स अपॉन x लिख देता हूँ और साइन x अपॉन x, तो इसको मैं अलग अलग दे रहा हूँ, तो मैंने लिखा साइन का p प्लस वन एक्स अपॉन में x प्लस साइन x अपॉन x, इस टाइप से मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और हमको मालूम है सर कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं ये फार्मूला लिख दूंगा बोर्ड का एग्जाम जब दूंगा तो साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, इस साइड में हम लोग लिख देंगे तो इसे क्या होगा, फुल मार्क्स हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि सर देखिए यहाँ पर x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए तभी हम लोग का फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन का p प्लस 1 x अपॉन, देखिए यहाँ पर p प्लस 1 लिखा है तो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए p प्लस 1 और x, तभी ये हमारा फाइनल कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सर साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से बात करें फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया p प्लस 1 से। ठीक है, और ये हमारा हो गया साइन x अपॉन x। ठीक है, तो अब यहां से मैं बात करूं तो ये हमारा कितना बन गया, 1 बन गया, तो बचा क्या हमारा, देखिए ये पूरा पोर्शन मिला के 1 बन गया। ठीक है, तो साइन p प्लस 1 x अपॉन p प्लस 1 x ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और साइन x अपॉन x कितना आएगा, ये भी 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा, p प्लस 1 बचा तो मैंने लिखा p प्लस 1 और साइन x अपॉन x ये भी कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर फंक्शन किसके इक्वल है, क्यों हमेशा ध्यान देना कंटिन्यूटी में ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो p ये जो फंक्शन है इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, q, तो हमारा आ गया p प्लस का 2 इज इक्वल टू क्यू, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। ठीक है, अब चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है p और q, तो p और q फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन हमको जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, लिमिट ग्रेटर देन है तो x टेंडिंग टू 0 प्लस और fx, तो 0 प्लस fx का जब फंक्शन पॉजिटिव तो क्या होगा, ये वाला, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x और अपॉन में x के पावर में 3/2। अच्छा, एक चीज माइंड में क्या आया सर, सॉरी ये रूट में नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर 0 प्लस का 0 प्लस पे मतलब पॉजिटिव वाला लिमिट हम लोग को देखना है। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों लिखा x टेंडिंग टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब थोड़ा माइंड लगाएंगे, देखिए यहाँ पर रूट x और रूट x दोनों से मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो मैंने लिखा लिमिट रूट x बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस का x, 1 प्लस का x माइनस का 1 और अपॉन में, देखिए x के पावर में 3/2 को सर मैं क्या लिख दूंगा, x इंटू रूट एक्स, तो यहां से रूट एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मैंने लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और अपॉन में x। करेक्ट है, अब देखिए रेशनलाइजेशन कराऊंगा मैं, तो यहां पर माइनस हो तो माइनस का अपोजिट साइन क्या आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा, तो देखो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप आप बोर्ड में किसी ने कि वो माइंड में रखना आप। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 है
तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस एक्स और प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स और प्लस का 1, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा माइंड लगाएंगे। देखिए a प्लस का b और a माइनस का b, तो a प्लस का b और a माइनस का b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा सर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। तो देखिए 1 प्लस एक्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स, 1 प्लस एक्स और प्लस का 1, एक्स टेंडिंग टू 0, करेक्ट है। अब देखिए यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस 1, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जब लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, थोड़ा एक बार अच्छे से देखेंगे, a प्लस का b और a माइनस का b वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, स्क्वायर से मैंने क्या रूट कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 प्लस x हो गया, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जैसा था इसे ही नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, जब लिमिट पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर बचा है 1, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, तो ये हमारा हाफ आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो एक सेकेंड इक्वेशन हमारा बना q इक्वल टू वो हाफ बन गया, करेक्ट है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब मुझे q तो पता चल गया, अभी p मालूम नहीं, तो p इज इक्वल टू q का वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा और 2 को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो हाफ माइनस का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 into 2 4, और माइनस का 4 से प्लस 1 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3/2। तो ये हमारा जो था फेवरेट क्वेश्चन था, ये बोर्ड का फेवरेट है, जे ये 2020 में आ सकता है ये सब। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जेई 2019 में भी ऐसा आया, सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन दिया, फिर 2020 में भी दिया, तो बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, निकले थे, तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इतना ज्यादा